पाकर के लोगों को कोई और बनी भाई इधर से बैठ जो है इस तरह का रवैया यहाँ की सरकार का है सोचता ये लगता है कि एक नया मोर्चा वो पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर है उसको खोलना चाहते हैं। जैसे टिगरी वहाँ पे है तो एक बड़ा मोर्चा यहाँ पे भी खोलना पड़ेगा। उसी तरह से अपने ट्रैक्टर लगा के अपनी झोपड़ियां बना के यहां थाने के अंदर बना लो पहले, क्योंकि यहां धूप रहती है, थाने के अंदर बना लो। और हमने तो जब यहां पाए तो हमने तो अपने आप को गिरफ्तारी मार रखी आप थाने में ही। प्रशासन को कहना ही तो है कि इसको थाने को जेल बना दिया, हमारी व्यवस्था कर दो। अपने ट्रैक्टर वैक्टर लगा के कुछ अपना अंदर यहां पर लगाओ, उन बहादुरों को भी फिर बाहर लगाओ। ये लंबा चलेगा मामला, कोई ऐसा नहीं चलने का एक दो दिन का, चार दिन का, दस दिन का, ये लंबा खिंचेगा। जैसे वहां का है ऐसे ही खिंचेगा। बातचीत भी इनका करनी होगी तो वो भी करते रहेंगे। सारे नेताओं को यहां रहेगी रस्ते यहां पे लग रहा हूं लोगों को अपना विरोध नीति करते रहो। जैसे सिंधु के हैं, बंग के हैं, और जगह के फोटो है तो कोई वहां रहेगा, कोई वहां पे एक नया मोर्चा यहां होगा। जब यहां से उधर मोर्चे पर जाओगे तो कानूनों को रखते चले जाओ, दस कानूनों को मिलकर जाओ। ये जब यहां पर आओ तो दस कानूनों को मिलकर चले जाओ। तो ये ठीक इधर है मोर्चा खुल गया, यहां से पंजाब भी कवर हो जाएगा, हरियाणा भी कवर हो जाएगा, उनका ठीक हो जाएगा। यहां से जब नेबंदी फिर हम लाकर सिंह बड़ो वापस जाती रहे, टिकले जाती रहे, तो चला गया। वो देखना चाहते हैं इसको, जो आदमी में कुछ हो नहीं है कि उनको रिहा कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं है। वो तो ये है कि ये इस पर अगर झुक गए किसान तो फिर अगला टारगेट इनका दूसरा होगा। तो इन्हें भाई सांप की मालसी को जहां पे वो पकड़े जाने उसको वहीं पीट लो, वहीं पकड़ो, उसको आगे बढ़ने ना दो। इनको ये नहीं पता कि तुम्हारे बाप का मुंह वहां घसा रहा क्या रेत में दिल्ली में, पहले उसको तो छुटा लो, वहां घसा रहा क्या उसके नाकों में रेत भर गया, उसको तो साफ सुना लो पहले। हरियाणा बचाएगा दिल्ली की जान, बहुत ताकतवर रहेंगे, दिल्ली की जान बचाएगा। पूरे देश का ठेका ले लिया, पहले आपस की तो सोल कर लो, यहां का मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, गृहमंत्री तो यहां का मुख्यमंत्री बनना चाह रहा, वो ऊपर जाना चाह रहा, वो कुर्सी छोड़ानी चाह रहा, तो आपस में तकरार है इनका। पहले ध्यान तो ठीक कर लो भाई अपने, हमें कहीं नहीं जाना, पक्के मोर्चे लगाओ अपने, यहां पे भी एक मोर्चा, यहां पे भी सही, मजबूत क्षेत्र है ये। रात में जब आए तो बहुत पब्लिक यहां के, रात को इन्हीं क्षेत्र के गांव से आई, इसी क्षेत्र से आए जब सब लोग यहां पर, और बात करें वो करते रहेंगे बातचीत, ये चार चार घंटे की उसकी जनता 20-20 किलोमीटर दूर जाकर के साउथ, ये तो ये चाहते हैं ना, ये देखते हैं ये आवे के ये कमजोरी दिखावे क्या, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो जेल में भी जा रहे हैं यहां पर, तो चौधरी चरण सिंह, काशीराम ने, टिकेत साहब, इतने भी क्रांतिकारी हुए, ये तो जेल में तो रहे, ये 23-23 महीने का सारा भी है, ये धोखे से ले जाना चाहते हैं, वो है दरअसल धोखा। 25-30 आदमी गए, दो को पकड़ लिया और को छोड़ दिया, भाड़ डाल रहे, कोई दिक्कत नहीं, मोर्चा यहां पर रहेगा, जब आपकी समझ में आओगी छोड़ देना, जब नहीं समझ में आओगी ना छोड़ रहा, यहां तैयार रखे जाओ, आपको जेल ले जाना होगा तो जेल लेकर जाना, यहां से जाएंगे आपके थाने पर बैठे हुए, यही रहेंगे, रात को भी यही रहेंगे, यहां की गलियों का उसका भी ऐसा पता चल गया, पड़ोसियों के घर का भी ऐसा पता चल गया। आपने जो जन सुविधाएं देनी चाहिए थी वो कुछ नहीं दिया आपने,
क्या सुविधाएं यहाँ पे दे रहे हो आप? अगर आपके बाहर भरना चल रहा है, पब्लिक इकट्ठी हो रही है, तो आप पानी की इसकी तो सुविधा आपकी जिम्मेदारी है ना देने की। ये टेंट का तो पता चला के टेंट पुलिस प्रशासन ने सरकार ने लगा, टेंट लगा तो भाई ये मान लिया कि जेल है ये। जैसा थोड़ा सा और बढ़ा दो इसे जेल डिक्लेयर कर तो और क्यों खा पका आप भी धक्के खाओ और हम भी धक्के खाते हमने खाने पीने का इंतजाम रख करो हमारा बस थाने में बैठा दिया। जेल तो डिक्लेयर करनी कि जो तुम यहाँ पे है आपने अस्थायी जेल बना दी तो बड़ा उसको कहीं नहीं जाना हमको यही रहेंगे अपने ट्रैक्टर छोड़ ले रहे हो यहाँ पे धूप रहती है उसको अपना छप्पर ऊपर बांध लो उसको अपना बाहर को लगा लो कुछ यहाँ लगा लो एक रास्ते को अपना ज्यादा भीड़ होती है एक रास्ते को अपना कवर कर लेना और जो भी कमेटी अपने तय करेगी उसकी घोषणा हो जाएगी कमेटी तय कर देगी। अभी यहाँ पे आगे उड़ा साहब जो बैठे हैं इनका तो बिल्कुल लगता है ही यही पंजाब का आंसर लगता हुआ है ये तो बोला पे है हरियाणा पूर्ण रूप से मजबूत है ये सबका पूरा पार देगा ये वहां के वोट रूगा भी पूरा पड़ेगा ये जितने टोल है उसमें भी रहेगा ये यहाँ पे भी रहेगा और जो भी यहाँ पे टोल कर जाएगी उसको ये नहीं कि हरियाणा हरियाणा ना मेरे है नहीं या दूसरे स्टेट में भी कर ली क्योंकि लोग कल भी दूसरी जगह भी तैयार थे थानों में बैठे हुए थे रात यहां से फिर उनको हटाया गया थानों से पुलिस स्टेशन से हटाया गया उनको अपनी तैयारी यहां से कर लेंगे आगे की घोषणा उसी करेंगे अपना रात उसको वही जाने जोड़ने की जरूरत नहीं है अपना कपड़े लगते बना लो अपने ट्रैक्टरों को ही मंगाओ तो धन्यवाद आपसे भी का और ये लड़ाई तो लंबी चलेगी देखो जिंदा रहना है तो सब कुछ रहेगा देखो जमीन नहीं बचनी अपने ही खेत में मजदूरी करने को मजबूर हो गया लेडीज के लिए जो मोबाइल टॉयलेट की बात करी थी रात की बात करी वो हर एक उसकी व्यवस्था करो ये तो जन सुविधाओं आपकी है ये तो शर्म आनी चाहिए ना आपको आप भरना अपने बाहर तो आ रहे जन सुविधाएं आप नहीं दोगे ये सारी व्यवस्था प्रशासन कर ले यहाँ पर आप भी मत कर लगे तो भोगी की व्यवस्था कर लो जो प्रशासन की जिम्मेदारी है इसकी व्यवस्था यहाँ पर करें आगे की बातचीत तो हो जाएगी सरकार और अधिकारी बात कर लेंगे लेकिन जो जिम्मेदारी आपकी है आपके घर के बाहर आके बैठे हैं तो जो जन सुविधाएं आंदोलनकारियों को मिलनी चाहिए उसका इंतजाम यहाँ पे प्रशासन करें। धन्यवाद।